तो गाइस फाइनली थॉर लव एंड थंडर रिलीज हो चुकी है। अब इस मूवी को देखने के बाद एज यूजुअल इसके पोस्ट क्रेडिट और मिड क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। अगर बात करें पहले वाले पोस्ट क्रेडिट की, तो वहां पर हमें ज्यूस दिखाई देता है जो कि इंजर्ड है बिकॉज थॉर ने उस पर थंडरबोल्ट से अटैक किया था। अब यहाँ पे ज्यूस कह रहा होता है कि लोगों को भगवानों पे इतना ट्रस्ट नहीं है जितना उन्हें सुपर हीरोज पे है, इसीलिए ज्यूस कुछ ऐसा करने वाला है जिससे गॉड वापस हाईलाइट में आ जाएंगे और फिर से लोग बाग उन्हें पूछने लगेंगे। जहाँ इस बार ज्यूस हरक्युलिस को भी ले आया है, हरक्युलिस मार्वल कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है और ये ग्रीक मैथोलॉजी का सबसे पावरफुल कोड है जो अब एमसीयू में अपना डेब्यू कर चुका है। अब सबसे पहले हम गॉड्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। दरअसल जितनी भी मैथोलॉजी हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, उनके करेक्टर्स पे किसी का भी कॉपीराइट नहीं है, यानी अलग अलग रिलीजन्स के गॉड्स को कोई भी अपनी क्रिएशन का पार्ट बना सकता है। और इसी के चलते आपने डीसी के जस्टिस लीग में भी ज्यूस को देखा होगा और अब थॉर लव एंड थंडर में भी एमसीक्यू के ज्यूस को देख लिया गया है। ज्यूस एक मैथोलॉजिक करेक्टर है इसलिए उसे कोई भी यूज नहीं करता है, जिसके चलते डीसी और मार्वल्स दोनों उसे अपने अपने तरीके से यूज करते हैं। डीसी ने ज्यूस को काफी पावरफुल और परफेक्ट गॉड दिखाया है, तो वही मार्वल ने इस पे थोड़ा सा अलग टेक लिया है। अब इसी तरह हरक्युलिस के साथ भी होगा, जहां मार्वल ने ज्यूस के बाद एक और बड़े मैथोलॉजिक गॉड को इंट्रोड्यूस करवाया है। कॉमिक्स में वो थॉर की तरह काफी फेमस मार्वल गॉड है और हरक्युलिस को गॉड ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता है, जहां इसके नाम से ये पता चलता है कि इस पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसलिए वो मार्वल के टॉप मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में आता है। जहां ऐसा कहा जाता है कि हल्क हरक्युलिस से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हरक्युलिस ने तब भी हल्क को हरा रखा है। तो वहीं थॉर और हरक्युलिस की फाइट तो कॉमिक्स में वन ऑफ द बेस्ट फाइट है, जहां थॉर और हरक्युलिस इतनी पावर लगाते हैं कि उस प्लेनेट का वेदर ही चेंज होने लगता है और वो प्लेनेट अपनी जगह से भी खिसक जाता है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे क्यों हरक्युलिस को स्ट्रेंथ ऑफ गॉड कहा जाता है। ऊपर से स्ट्रेंथ में एजिबिलिटी और एक्सपीरियंस ऐड हो जाए तो काफी ज्यादा पावरफुल कहलाएगा और ये अलग ही लेवल की पावर हो जाएगी, जो कि कॉमिक्स में हो भी रहा है और हरक्युलिस हजारों सालों से जी रहा है, इसीलिए उसके पास ढेर सारी फाइट्स का एक्सपीरियंस है और उसके पास एडवांस फाइटिंग स्किल्स भी है। साथ ही वो ज्यूस का बेटा है, इसीलिए उसके पास स्किल, एबिलिटी और हीलिंग की पावर भी है, जो उसको पावर के मामले में और ऊपर ले जाता है। अब ये तो हरक्युलिस की पावर है जिससे हमें ये पता चला कि वो मार्वल्स का वन ऑफ मोस्ट पावरफुल बिंग है, लेकिन अभी ये ऑब्वियस है कि एमसीक्यू में हरक्युलिस को इतना पावरफुल नहीं दिखाया जाएगा। हरक्युलिस को शायद एक डिज्नी प्लस सीरीज दी जाएगी जिसमें उसकी ओरिजिनल स्टोरी और उसके कैरेक्टर को तैयार किया जाएगा। पोस्ट क्रेडिट ने एक तरफ से थॉर 5 को सेटअप किया हुआ है, तो हो सकता है हरक्युलिस को मैक्स थॉर की विलन की तरह दिखाया जाए। इसके चांस कम है लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी जरूर है। साथ ही इसके फर्स्ट लुक से लग रहा है कि इसके कॉमिक्स की तरह नशेड़ी ही दिखाया जाएगा। दरअसल कॉमिक्स में हरक्युलिस ज्यादा अल्कोहल पीता है और हर टाइम पे मस्ती में रहता है, जो कि इन वे हरक्युलिस की वीकनेस भी है, जिसे शायद अब लाइव एक्शन में भी ऐड किया जाएगा। पर ओवरऑल इस पोस्ट क्रेडिट के साथ एमसीयू में थॉर के बाद एक बड़ा गॉड भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें दूसरे पोस्ट क्रेडिट की, तो उसमें हमें जेम होस्टल और हेमडाल दिखाए जाते हैं, वो भी वेलहेला यानी हेवन में। अभी तक मोस्ट मैथोलॉजिक के हेवन को दिखाया नहीं जाया गया था, पर उसे इस मूवी में दिखा दिया गया। दरअसल मूवी में जेन होस्टल मर जाती है और वो मर के सीधा हेवन पहुंचती है और वहाँ पर हेमडाल है, और साथ ही यहाँ पर और भी गार्डियन होंगे जैसे कि ऑर्डेन, मदर फ्रेगा और थोर के दोस्त जो पहले मारे जा चुके हैं। खैर वैसे टेक्निकली जेन होस्टल मर चुकी है और वो हेवन में जा चुकी है, पर पोस्ट क्रेडिट में हेवन को दिखाने का साफ साफ मतलब यही है कि यहाँ से माइटी थॉर यानी कि जेन होस्टल जरूर आएगी। जिस तरीके का पोस्ट क्रेडिट लव एंड थंडर में एंड किए गए हैं, इससे ऑलमोस्ट थॉर 5 कंफर्म हो गई है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जेन होस्टल भी रिटर्न करेगी और वेलहेला को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसके चलते हमें थॉर के लेगेसी के पुराने कैरेक्टर भी छोटे छोटे कैमियो दिख सकते हैं। पर और मार्वल ने जेन होस्टल को हरा कर थॉर 4 को सीरियस मूवी भी बनाया और थॉर 5 के लिए हल्का सा प्लॉट भी कर दिया, जिसे मार्वल कैसे यूज करेगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन मून नाइट और थॉर 4 के अलग अलग मैथोलॉजी हेवन को दिखाना काफी बेहतर डिसीजन था, जहां इन फ्यूचर शायद हमें आपस में जुड़ते हुए भी नजर आएंगे। पर फिलहाल के लिए थॉर 4 मूवी के पोस्ट क्रेडिट ने जेन होस्टल के रिटर्न होने की पॉसिबिलिटी बढ़ाई और थॉर 5 को सेटअप किया। तो वहीं पहले वाले पोस्ट क्रेडिट ने एमसीयू में हरक्युलिस को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि अपने फादर के साथ मिलकर कुछ तो कांड करने वाला है, जिसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। पर इस पे डिस्कशन तो हमेशा चलता ही रहेगा, इसलिए आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको ये दोनों पोस्ट क्रेडिट कैसे लगी, साथ ही हरक्युलिस का फर्स्ट लुक आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।